यूट्यूब चैनल सुंदर स्वीट्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा स्वीट्स यानी मिठाइयाँ होलसेल रेट पर मिलती हैं हमारे यहाँ, उनके रेट बताऊंगा। लेकिन बेनिफिट क्या होगा आज की वीडियो में जो भाई रिटेल में लेते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल है, सबसे ज्यादा मिठाइयाँ बिकेंगी, जैसे रक्षाबंधन हो गया या दीपावली हो गई, तो इसमें सबसे ज्यादा मिठाइयाँ बिकती हैं। तो रक्षाबंधन पर आज मिठाइयों के रेट भी बताऊंगा कि क्या क्या रेट हैं। भाई को पता होना चाहिए जो होलसेलर यानी होलसेल में आपको होलसेल रेट पर सस्ता सामान देते हैं वो कैसे देते हैं, क्योंकि होलसेल रेट पे या तो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है बहुत ज्यादा बल्क में कराते हैं तो वो चीज सस्ती पड़ती है और आपको भी सही प्राइस पे मिल जाती है। लेकिन अगर कोई सामान बाहर से खरीदते हैं बेचने के लिए, मेरे साथ होलसेल में काफी भाई जुड़े हुए हैं, वीडियो में बने रहे, देखो वीडियो में मैं काफी मिठाइयों के रेट बताऊंगा जो कि होलसेल रेट में ही होंगे। रिटेल में ही, अगर रिटेल में भी लेना चाहते हैं वो भी होलसेल दाम में ही मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो जो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और बिजनेस की नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। मेरे साथ वो भाई जुड़े हैं जो मेरे से होलसेल में मिठाइयां ले जाके व्यापार करते हैं, दुकानें लगाते हैं, जो भाई रेगुलर करते हैं वो तो है ही है। जो भाई सीजन पे करना चाहते हैं, जैसे दीपावली आ गई, वो कहते हैं दीपावली पर हम मिठाइयां बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, या हम काफी साल से मिठाइयां लगाते आ रहे हैं, या हमें नॉलेज है, हमारे यहाँ पे क्राउड रहता है, भीड़ रहती है, तो यहाँ पर हम मिठाइयां लगाना चाहते हैं। दीपावली पर फैक्ट्रियां होती है, यहाँ पर काफी सारी फैक्ट्रियों है, उनके ऑर्डर आते हैं, एक फैक्ट्री में 100, 200, 300, 400, 500 डब्बे के ऑर्डर आ जाते हैं, ऐसी 10 फैक्ट्री आ गई तो 4000 डब्बे का ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके के काफी भाई है जो मिठाइयां ले जाकर वहां पर बेचकर पैसा कमाते हैं, लेकिन वो भाई बनाते नहीं है, क्योंकि गोदाम लेना पड़ेगा, सामान जो बनाने का होता है बाहर दाना वो लेना पड़ेगा, या फिर स्टाफ रखना होगा, तो काफी दिक्कतें आ जाती हैं। और वो भाई बना हुआ माल लेकर और बेच देते हैं, लेकिन बनता तो ये भी है, जैसे क्या क्या आज मैं रिटेल के रेट बताता हूँ जो भाई लेना चाहते हैं, खड़े होकर एक बार दिखा सकते हैं आप, जो होलसेल में ले जाते हैं हमारे से, तो मैं सोचता हूँ कि वो उनसे भी है कि जो भाई रिटेल में लेते हैं कोई 10 डब्बे 20 डब्बे और ज्यादा बिकेगा तो मेरे लिए यही होलसेल हो जाता है, तो मैं भी कम दाम में यानी बिल्कुल वाजिब रेट में नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच देता हूँ, और आपका भी बेनिफिट है इसमें, हमारा माल ज्यादा बिक जाता है तो मुझे भी बेनिफिट आ जाता है। तो आज खाई जा रही है ये मिठाइयां, दिखाता हूँ एक बार, दिखाएं ये डोडा बर्फी, हमारे पास देसी घी की मिल जाती है, ड्राई फ्रूट खुला है, एक एक मिठाई की जानकारी दूंगा। ये मिल्क केक है हमारे पास, इसकी कटिंग और भी तरीके से हो जाती है, लेकिन ये कटिंग सबसे बेस्ट है, इसके ऊपर भी आप ड्राई फ्रूट लगवा सकते हैं। ये मैंने काफी वीडियो में दिखाया था, मैं कह रहा था कुछ दिन पहले कि मैं आपको एक वीडियो ऐसी दिखाऊंगा जिसमें सारी मिठाइयां होंगी, लेकिन आज भी कुछ मिठाइयां अधूरी रह गई हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी चीज दिखाऊंगा, स्ट्रॉबेरी की बेनिफिट, इसको हर कोई बेच सकता है, लेकिन उससे पहले मैं मिठाइयां दिखाना चाहता हूं कि ये मिठाइयां देख सकते हैं, ये काजू पतीसा है हमारे पास, रिटेल में 270 रुपए किलो है, रिटेल में, ये मिल्क केक का रेट नहीं बता पाया था, मिल्क केक 180 रुपए किलो रिटेल का रेट है, होलसेल रेट तो बॉक्स होता है 4 किलो का या 3 किलो का, वो अलग ही रेट है। डोडा बर्फी 220 रुपए किलो है, ये मोतीचूर का लड्डू है जो कि आप देख रहे हैं, ये बुरादे से गार्निश की हुई है और पिस्ता भी लगता है इसके ऊपर, 120 रुपए किलो है। ये बीकानेरी बर्फी है 320 रुपए किलो, राजस्थानी लड्डू 180 रुपए किलो है, ये है रसगुल्ले 140 रुपए किलो, बेसन के लड्डू हमारे पास 160 रुपए किलो है, वो भी एक बेस्ट, और नीचे कटोरी भी लगी हुई है इसके अंदर। काजू कतली का रेट है हमारे पास 650 रुपए किलो, होलसेल रेट है। ये है मलाई बर्फी, मलाई बर्फी 220 रुपए किलो, पिस्ता बर्फी है 300 रुपए किलो, ये बेलन पतीसा 220 रुपए किलो है, और ये गुलाब जामुन हमारे पास 180 रुपए किलो है। जैसे शादी पार्टी है, कोई फंक्शन है, 100 आदमी का खाना है, आप बनाना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 10 किलो 15 किलो बने हुए होलसेल में ले सकते हैं हमारे पास से। लेकिन मैं बात कर रहा था टोकरी की, अगर ये टोकरी में 11 आइटम है, मेरे से काफी दुकानदार भाइयों ने लिए हैं, जैसे डेयरी की दुकानें होती हैं, डेयरी वालों ने 50 पैकेट दे दो 100 पैकेट दे दो और उन्होंने रखे हुए, इसमें सीधा मुनाफा मिलता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिकता है रक्षाबंधन पर और दीपावली पे। बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी का बर्थडे है, बर्थडे पे गिफ्ट दे सकते हैं, या कोई प्रोग्राम फंक्शन है उसमें इस तरीके के आइटम या फैंसी टोकरी लगाकर उनको गिफ्ट देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है।
ये भी टोकरी है, ये भी आप ले सकते हैं हमारे से होलसेल रेट में, हम तैयार करवाते हैं। और दुकानदार जैसे स्वीट्स की दुकान है वो भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं रखें, 10-20 टोकरी रख लें, जब डिमांड आने लगे तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। वैसे मेरे पास 150 रुपए की ये टोकरी है और ये 200 रुपए की है। तो इस तरह की टोकरी कोई भाई लगाना चाहता है तो हमारे से ले जाकर और बेच सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो नए दुकानदार इसका बिजनेस करना चाहते हैं, कम पैसों में शुरू करना चाहते हैं कि मिठाई का बिजनेस करना है और हम कम पैसों में शुरू कैसे करेंगे। तो इसकी अगर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, आप नए हैं, करना भी चाहते हैं, तो मेरे से पूरी जानकारी लेके आप अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, और बिजनेस की नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।